शर्मिस किचन। आज मैं स्टफ कैप्सिकम बनाने जा रही हूँ। तो स्टफ कैप्सिकम में मैं पनीर से बना रही हूँ, तो मैं उसके लिए ली हूँ 2 कैप्सिकम जिसको मैं 20 से काटी हूँ। ऐसे गोल नहीं बना रही हूँ मैं ऐसे करके, क्योंकि ऐसे करने से फ्राई अच्छी तरह होता है और स्टफ भी बहुत अच्छा भरता है। तो मैं ऐसे काट ली हूँ। मैं 2 कैप्सिकम ली हूँ, उसके लिए ली मैं 3 छोटे छोटे आलू, ली हूँ पनीर, ये 100 ग्राम पनीर है, अब इसको ग्रेट कर ली हूँ। मैं 100 ग्राम पनीर ली हूँ और ली हूँ थोड़ा सा काजू जिसको मैं टुकड़ों में काट ली हूँ, 8-10 किशमिश ली हूँ, ली हूँ 1/2 चम्मच अदरक पेस्ट, ड्राई मसाला मैं ली हूँ 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, चीनी बैलेंस करने के लिए 1/2 स्पून हल्दी ली हूँ, 1/2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ, नमक स्वाद अनुसार ली हूँ और 1/2 चम्मच मैं ड्राई मैंगो पाउडर ली हूँ, आमचूर पाउडर ली हूँ। पहले आइए मैं कैप्सिकम को मैं ब्लांच कर लेती हूँ। तो मैं गर्म पानी बैठा दी हूँ, ये गर्म पानी उबल रहा है, मैं जस्ट कैप्सिकम को दे के इधर और उधर करके उतार लूँगी। ये देखिए मैं दे रही हूँ, देखिए 2 मिनट ढक दे रही हूँ। एक तरफ हो गया, मैं और एक तरफ पलट दे रही हूँ इसको, इसको भी और 1 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ। 1 मिनट हो गया, मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। बंद करके मैं ये कटोरा में एकदम चील वाटर ली हूँ, एकदम चील ठंडा पानी लेना है। मैं चील वाटर ली हूँ, अब मैं ये कैप्सिकम को मैं डायरेक्ट गर्म पानी से उतार के ये ठंडा पानी में दे दूँगी। मैं जस्ट ब्लंच कर ली हूँ इसलिए इसका कच्चापन निकाल ली हूँ। मैं देखिए सारे कैप्सिकम को एक एक करके इस ठंडे पानी में दे दे रही हूँ। एकदम चील वाटर लेना है, ये देखिए ऐसे करके सारे मैं कैप्सिकम को ठंडा पानी में दे दे रही हूँ, इसको अच्छी तरह डुबो दे रही हूँ। देखिए एकदम चील्ड वाटर में इसको भिंगो के रख देना है, इसको अभी नहीं निकालूंगी, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। लेट हो गया, मैं इसको निकाल ले रही हूँ, निकाल के इसको स्ट्रेन कर ले रही हूँ, स्ट्रेन करने दे दे रही हूँ इसको। तब तक मैं इसका स्टफ बना ले रही हूँ। मैं उसमें तेल दे दे रही हूँ, मैं 3 चम्मच तेल दी हूँ इसमें, गर्म हो गया है। मैं इसमें अदरक पहले दे दे रही हूँ, देखिए हल्का सॉटे कर ले रही हूँ। ये देखिए मैं अदरक को सॉटे कर ली। अब मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। मैं ऑफ करने के बाद में ये काजू और किशमिश जो था उसको पहले मैं दे दे रही हूँ। देखिए ये सारे ड्राई मसाला जो है सब मैं एक साथ दे दे रही हूँ। देखिए मैं इसको सॉटे कर ले रही हूँ एकदम लो फ्लेम में, एकदम मैं लो फ्लेम में इसको सॉटे कर रही हूँ ताकि मसाला जल ना जाए। मिनट के लिए सॉटे कर ली हूँ, ये देखिए मैं सॉटे हो गया। अब मैं जो आलू ली थी ये मैश आलू इसको दे दूँगी इसमें, मैश आलू, और ये जो पनीर को भी मैश करके रखी थी इसको भी मैं दे दूँगी एक साथ। देखिए अच्छी तरह सब चीज़ों को मैं सॉटे कर ले रही हूँ, मेरे फ्लेम एकदम लो है। अब इसको अच्छी तरह मैं सॉटे कर ले रही हूँ। अब इसको मैं ढक दे रही हूँ, 2 मिनट के लिए पका ले रही हूँ। देखिए मेरा फ्राई हो गया है, मैं फिर से ऊपर नीचे कर दे रही हूँ। देखिए सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, मेरे पास थोड़ा सा खोआ था, मैं खोआ भी दे रही हूँ, मैं खोआ भी इसमें थोड़ा दे दी हूँ, खोआ सबको भी मैं मिला ले रही हूँ, सबको भी मिला ली हूँ और सॉटे भी कर ली हूँ। ये मेरा मसाला रेडी हो गया, मैं इसको ऑफ कर दे रही हूँ, अब उतार ले रही हूँ। देखिए मेरा कैप्सिकम स्ट्रेन हो गया, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। मसाला भी रेडी है, हमें ये मसाला सब इसमें कैप्सिकम में मैं भर दूँगी, प्रेशर कर करके भरिएगा। देखिए मैं पूरा भर दी हूँ मसाला सब, पूरा प्रेशर कर करके, ये देखिए मेरा हो गया। अब बैठा दी हूँ, तेल ले ले रही हूँ, इसमें तेल कम लगता है बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा फ्राई के लिए, तेल बच जाएगा। ये मैं 4 चम्मच तेल दी हूँ, तेल को गर्म होने दे रही हूँ। मैं फ्लेम को एकदम मीडियम कर ले रही हूँ, मीडियम करके अब मैं इसको फ्राई के लिए बैठा दे रही हूँ। देखिए इसको ढक दे रही हूँ,
ये देख लेती हूँ हुआ कि नहीं फ्राई। ये एक साइड हो गया है, मैं फिर और एक साइड पलट दे रही हूँ। मैं और एक साइड पलट के फ्राई कर ले रही हूँ, फिर से ढक भी रही हूँ। राइट साइड भी हो गया, अब मैं इसको उतार ले रही हूँ। ये देखिए मेरा स्टफ़ कैप्सिकम तैयार हो गया। आप इस तरीके का पनीर देके बना सकते हैं, पनीर से भी बहुत अच्छी तरह बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है, जल्दी बन भी जाता है, इसमें कोई झमेला नहीं है। रात के सब्जी के लिए बहुत जल्दी बनने का सब्जी है। आप इस तरीके का बना के एक बार ट्राई कर सकते हैं और मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं कैसे बना था। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में रखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए।